जय श्री श्याम बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी होती है। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक ऐसा एरिया होता है अकाउंट्स का जहां पर आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन की वजह से कहीं ना कहीं आपके 40-50% मार्क्स कट जाते हैं। देखिए, एएस के आंसर लिखते हुए कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, पेपर पेन ले लीजिए। सबसे पहली चीज जो आपको एएस का नंबर जो है वो जरूर मेंशन करना है, और एएस का नाम क्या है वो जरूर आपको लिख के आना है। जैसे AS2 इन्वेंट्रीज, ठीक है। जनरली क्या होता है, या तो आप एएस का नाम लिख देते हैं या नंबर लिख देते हैं, पर दोनों चीजें नहीं लिखते। सेकेंड चीज, जो भी आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आपको जो प्रोविजन है एएस का, जिससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आया है, वो आपको लिखना है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं एएस 16 की, तो हम कहते हैं कि बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड अगर जो असेट है उसमें सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा है। तो इस तरीके का जो भी प्रोविजन है, किसी भी पर्टिकुलर एएस का हो सकता है, AS 10 का हो सकता है, AS 2 का हो सकता है, कि लाइक इन्वेंट्रीज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। तो जो भी प्रोविजन है, सबसे पहला पैराग्राफ जो है आपका उससे रिलेटेड होना चाहिए कि एज पर AS 2, AS 1, AS 10, AS 16, AS 12। तो जो भी प्रोविजन है, पहला पैराग्राफ आपको वही लिख के आना है कि प्रोविजन क्या है उस AS से रिलेटेड। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ जो है, वहां पर जो भी आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए उससे फिगर्स लीजिए, फैक्ट्स लीजिए, जो भी है आप अपना कैलकुलेशन करके दिखाइए। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका प्रोविजन का हो गया। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, जो कैलकुलेशंस दिखानी, जो भी करने की जरूरत है उसको आप करके दिखाइए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ AS। और लास्ट में थर्ड, अकॉर्डिंगली जो हमारा AS इसके हिसाब से आंसर आएगा वो ये आएगा, उसको हाईलाइट करके जरूर आइए। अगर ये तीन चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप AS के अंदर फुल आउट ऑफ फुल ला पाएंगे। लेकिन जनरली क्या करते हैं, आप सीधे सॉल्यूशन लिख के आ जाते हैं, AS के प्रोविजन नहीं लिखते, या AS के प्रोविजन लिखते हैं उसी में बीच लाइन के अंदर सॉल्यूशन लिख देते हैं, कंक्लूजन अलग से नहीं दिखाते हैं। तो इस वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। आपको याद रखना है, पहला पैराग्राफ विल ऑलवेज बी ऑफ प्रोविजन, सेकंड नंबर पे कैलकुलेशन, टेक्स्ट, फैक्ट्स जो लिखना है, थर्ड नंबर पे आपको उसे कंक्लूड करके आना है। इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, खासकर जो CA इंटर में 50 नंबर के आते हैं, 50 आउट ऑफ 50 लाएंगे। BCom में, CMA इंटरमीडिएट, सब जगह AS देखने को मिलते हैं, और ये एक बहुत अच्छा एरिया है जहां पर आप फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हैं। जय श्री श्याम।